ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। हेलो एवरीवन, साडा आज का क्वेश्चन है, प्रूफ करना है कि दिता गया हुआ है डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल है ए बी सी इंटू वन प्लस वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी प्लस वन ओवर सी। फर्दर इन इक्वल प्रूफ करना है ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इक्वल। सो हेयर साडे को गिवन की है डिटरमिनेंट। सो एल एच एस पहला कंसिडर करते हाँ। एल एच एस साडे को एक डिटरमिनेंट गिवन है, ये सारा डिटरमिनेंट। सो ये डिटरमिनेंट गिवन है, हुण पहला स्टेप की करते हाँ कि फर्स्ट सैकेंड ते थर्ड कॉलम से विचों ए बी सी जो है वो कॉमन निकाल लेने हाँ, सॉरी रोज से विचों जो है ए बी सी वो कॉमन निकाल लेने हाँ। की करना है, कॉमन निकालना है ए बी सी फर्स्ट सैकेंड थर्ड रो जो, तो साडे को डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी बन जाएगी। हेयर साडे को डिटरमिनेंट आ जाएगा, पहला पहली रो दे विचों निकालिया तो साडे को की आ जाएगा वन, ए बी सी कॉमन निकालिया सो बार ए बी सी आ जाएगा, अंदर की आ जाएगा वन ओवर ए प्लस ए कॉमन निकालिया सो वन आ जाएगा, इतने आ जाएगा वन ओवर ए वन अपॉन ए, इतने की आ जाएगा वन अपॉन बी, वन प्लस बी की जगह आ जाएगा इतने साडे को वन ओवर बी प्लस वन एंड वन अपॉन बी, इतने की आ जाएगा वन अपॉन सी एंड वन अपॉन सी प्लस वन। पहली रो दे विचों ए कॉमन निकालिया सी, दूसरी रो चो बी एंड तीसरी रो चो सी कॉमन निकालिया। नेक्स्ट स्टेप की करांगे असी, आर वन ते ऑपरेशन लगावांगे। आर वन ते ऑपरेशन लगावांगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सो साडे को की बन जाएगा डेल्टा। बार तां ए बी सी कॉमन है सो उहनूं ए बी सी नूं एस एच ही लिख लैंदे आं। आर वन ते ऑपरेशन लगाउणा है सो सेम रहेगियां, आर टू ते आर थ्री ते सेम ही रहेगा सो उहनूं एस एच ही लिख लईए। रो थर्ड दे एलीमेंट्स नूं वी एस एच लिख लईए, सो इत्थे की बन जाएगा वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। इतने भी बन जाएगा वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। सिमिलरली इतने भी वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। मोर ओवर नाल इतने प्लस वन प्लस वन प्लस वन भी आ जाएगा, साइड ते लिख देने हाँ प्लस वन प्लस वन एंड प्लस वन। सो नेक्स्ट स्टेप दे विच साडा ए सारा जो है ये कॉमन आ रहा है रो वन चो, सो ये कॉमन निकाल दिए। बार की रह जाएगा ए बी सी एंड कॉमन की आ रहा है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन, अंदर जो जो रह रहा है वो लिख दिए तो कॉमन आ गया, तो इतने आ जाएगा वन वन वन। बाकी नीचे साडे को सेम ही आ जाएगा वन अपॉन बी प्लस वन वन अपॉन बी वन अपॉन सी एंड वन अपॉन सी प्लस ऑफ वन। नेक्स्ट ऑपरेशन लगावांगे असी सी टू दे, सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री दे लगावांगे सी थ्री माइनस सी वन, सो कितना आ जाएगा इक्वल्स टू ए बी सी, बाकी सारा तो कॉमन ही सीगा वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन। सो सी वन तो सिमिलर रहेगा बिकॉज सी टू तो सी थ्री तो ऑपरेशन लगाना है, सो इतने आ जाएगा वन वन अपॉन बी तो वन अपॉन सी। सो सी टू माइनस सी वन करना है, ये कितना आ जाएगा
जीरो, वन अपॉन बी प्लस वन माइनस वन अपॉन बी वन एंड जीरो, एंड सी थ्री जो सी वन निकालना है सो इतने आ गया जीरो, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन बी जीरो एंड वन अपॉन सी प्लस वन माइनस वन अपॉन सी वन। डायगनली साढ़े को की बन रहा है वन वन वन, सो इट मीन साढ़ा रिजल्ट जो है वो की आ जाएगा ए बी सी वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन इंटू वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन। सो डिटर्मिनेंट साढ़ा किदे इक्वल आ रहा है ए बी सी वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन। सो इतों तक एक पार्ट दे प्रूफ हो गया। फर्दर इस चीज नूं असीं जे एलसीएम लईए पहला तो असीं इस पार्ट तक प्रूफ करना ही, सो उहदे हो गया। फर्दर जे असीं इहदा एलसीएम लईए तो की आ जाएगा ए बी सी नीचे आ जाएगा ए बी सी, सो उपर साढ़े को की बन जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी। सो क्लियरली इतने ए बी सी नाल ए बी सी कैंसिल हो जाएगा तो साढ़े को किन्ना बच जाएगा इतने बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी विच इज इक्वल टू आर एच एस, विच इज इक्वल टू आर एच एस। सो ये नाल साडा आर एच एस जो है वो एल एच एस से इक्वल आ जाता है, सो इतने साडा रिजल्ट जो है प्रूफ हो गया। थैंक यू।